ले सकते हैं, सारे तरीके आपके फेल हो जाएंगे, लेकिन मेरा तरीका कभी फेल नहीं होगा। अगर आप भी बनाना चाहते हैं ऐसे पानी पूरी ढेर के ढेर, देखिए एक भी पापड़ी आपको नज़र नहीं आ रही होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखिएगा किस तरीके से बनाया जाता है सही तरीके का पानी पूरी। तेल हमारा अच्छे से टेम्परेचर हाई हो चुका है, गर्म हो चुका है, तो अब हम पानी पूरी डालना स्टार्ट करते हैं। इसे देख सकते हैं आप किस तरह से पानी पूरी हमारी बढ़िया से फूलेगी एकदम गुब्बारे जैसे। इस तरीके को आप अपनाएंगे तो कभी पानी पूरी बनाने में फेल नहीं होंगे, एक भी पापड़ी नहीं आएगी, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। तो ये देखिए दोस्तों आपके सामने लाइव प्रूफ आप देख सकते हैं कि पूरे घान में एक भी पापड़ी अगर आ गई भाई मेरे, तो मैं नाम बदल दूंगा कि पानी पूरी मैं नहीं खिला पाता। ये देखो दोस्तों एक भी पापड़ी आपको नहीं मिली होगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को बहुत ही सही तरीके से मैं गोलगप्पे पानी पूरी बनाना सिखाऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, एक भी चीज़ आप मिस मत करिएगा, बढ़ाकर बिल्कुल मत देखिएगा। अगर आप बढ़ाकर देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा पूरा तरीका, तो ठीक है आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूँ जो लोग देखने के बाद भी हमारा सेम प्रोसेस नहीं करते हैं, और मैं अपना कॉल नंबर जो देता हूँ उस पर कॉल करके वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उनसे, तो वो उनकी खुद की गलती रहती है। मेरे तरीके से कोई गलती अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको गोलगप्पे बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और बहुत ही ईजी तरीके से आप बनाना सीख सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी लोगों को मैंने अच्छे से सिखा दिया है, सीख चुके हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, अच्छा मतलब उनका नॉलेज भी बढ़ गया है हर एक चीज़ के लिए। उनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो एनी टाइम मुझे कॉल करते हैं, मैं उन्हें सॉल्व कर कर देता हूँ वो भी प्रॉब्लम जो भी क्रिएट होती है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा मेरा वीडियो, तो बताता हूँ क्या क्या लगता है, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारे यहाँ मारुति भोग चक्की भोग का फ्रेश आटा होता है, ये मारुति भोग का मिलता है हमारे यहाँ। आपके यहाँ जो भी आटा मिलता हो वो भी पैकेट में होना चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखिएगा आप। तो चलिए आटे को हम काटते हैं, पहले निकालते हैं बाहर। देखिए दोस्तों ये हमारा 5 केजी, ठीक है, तो 5 केजी आटा पूरा निकालेंगे बाहर। और ये देखिए हमारी सूजी है 1.5 केजी, ठीक है, क्योंकि हम 1 केजी में 300 ग्राम से ज़्यादा नहीं डालते हैं, 300 ग्राम में बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त पानी पूरी बनकर तैयार हो जाती है। इस चीज़ का बिल्कुल पूरा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। दोस्तों ये देखिए इतना सारा मटेरियल हमारा हो चुका है, तो इसी में हम 1.5 किलो पूरी सूजी लगा देंगे। सूजी मीडियम हो, मोटी हो, पतली हो, उससे नहीं लेना देना है कोई भी, सूजी मतलब सूजी होती है, मैं ये बोलता हूँ आपको। इतना सारा डाल दिया मैंने, ठीक है, तो ये हो गया 6.5 किलो मेरा। तो इसमें 6.5 किलो में ये देखिए खाने का चम्मच, 1 चम्मच इसमें ये मीठा सोडा डाल देंगे हम भर के, ठीक है, पूरा भर के हो गया हमारा 1 चम्मच। अभी तीनों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने एक बढ़िया सा गड्ढा बना लिया पूरा मिक्स करके, और इसमें हम जो है मग्गे से पानी ऐड करने वाले हैं। बिल्कुल ठंडा पानी होगा हमारा, नॉर्मल जो ऐसे रखा रहता है डब्बे में भर कर वही है। इसमें फ्रिज व्रिज का पानी बिल्कुल नहीं यूज़ करना है आपको। देखिए इससे हम डालेंगे पहले 3 मग्घे पानी, और इसी में हम अच्छे से अब इसको मिक्स कर लेंगे पानी में अच्छे से आटे को, ठीक है, फिर दिखाते हैं आपको 3 मग्घे में कैसा लगा आटा हमारा, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से आटा हमारा 3 मग्घे में रेडी हो गया था। तो अब इसमें जो सूखा आटा बचा हुआ है इसमें हम थोड़ा सा इस तरह से कंछा मार मार के लगाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंछा लगा देना है, फिर उसके बाद इसको मिलाना है, और ताकत से मिलाना है कि ये आटा जो है बिल्कुल ढीला ना रहे, टाइट ही लगाना है आपको। इस चीज़ का पूरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए हम कंचा मार मार के इसका पूरा मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने अच्छे से आटा मार लिया, मारने के बाद इसको ये देखिए कितना टाइट है, मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइट है, ठीक है, इतना टाइट आपको रखना है। तो अभी रात के बजने वाले हैं 10:30 से 11, ठीक है,
तो इस टाइम पे आप रखेंगे तो सुबह 4 बजे उठ के आपको इसकी वो लोइयाँ तोड़नी है, ठीक है। तो एक पॉलीथीन में इस तरह से इसको कवर कर देंगे। ये देखिए इस तरह से इसको बांध देंगे। ये इस तरह से रखना है पॉलीथीन कि नीचे खुला ना रहे, पूरा बंद हो जाए, टट सूखे ना। सुबह उठेंगे जैसे ही हम 4 बजे, बेहतरीन 4 घंटे के बाद, यानी कि 4 घंटे के बाद सुबह हो जाएगी। तो 4 घंटे के बाद इसको लोइयाँ तोड़ना है, 4 घंटे के तक के लिए इसको रख देना है। तो देखिए 4 घंटे हो चुके हैं, 4 घंटे के बाद हम इसको पॉलीथीन से बाहर निकालते हैं। एक बार इसको ऐसे फिर से मार लेंगे, मार के पूरा सा। तो दोस्तों देखिए इस तरह से मार के सेट कर लेना पूरा बराबर से, ठीक है। अब हम चाकू से काट लेंगे इसको, आप अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा करके काट सकते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने काट दिया है, काटने के बाद इसमें सिंपल से ऐसे सूखा आटा लेके ऊपर से डाल देना है। डालने के बाद में इसको इसी आटे पे से रोल कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये चिपके नहीं। आपने जो आटा कटिंग किया हुआ है ये चिपके ना आपस में, ठीक है। तो इस पे भी हम ऐसे आटा थोड़ा थोड़ा करके लगा लेंगे। तो दोस्तों बाकी का मैंने बचा लिया है इस पे और रख दिया है। तो हम इसको ऐसे गोल रोल करेंगे और इस टाइप से इसको घुमा के गोल गोल करके अब लोइयाँ तोड़ेंगे। ऐसे इस हिसाब से आपको लोइयाँ तोड़नी है, छोटी बड़ी आपके हिसाब से रखना है, आपके साइज जो भी हो, आपके शहर में चलता हो उस हिसाब से गोलगप्पे का साइज रखना है। मैं तो इसी साइज से बनाता हूँ तो बढ़िया बनता है और छोटा भी रहता है लोइयाँ, और फूलने के बाद बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है और कोई शिकायत भी नहीं आती है, कोई छेद हो जा रहे हों या टूट जा रहे हों तो ये सब नहीं होता है। तो इतनी नाप की गोली बहुत ही अच्छी होती है। तो गोली को किस तरीके से रखना है अभी हम बताते हैं आपको। उसी गोलियाँ लेके काट लें। तो दोस्तों देखिए हमने लोइयाँ काट ली है, काटने के बाद इसमें सिंपल सा ऐसे सूखा आटा मिलाना है, ठीक है। इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा कि आटे से इसको कोट करना है, आटा पूरे में अच्छे से मिक्स कर कर इसको गोल गोल कर लेना है। ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ सेम इसी प्रोसेस को आप अपनाइएगा। गोलियाँ भी पूरी गोल हो चुकी होंगी और पानी पूरी में कोई पापड़ी नहीं आएगी, एक भी पिचकी खराब या छेद बिल्कुल नहीं होंगे। इसी तरीके को आप अपनाइए। ये देखो दोस्तों सारा का सारा बढ़िया से गोल हो गया है। अब इसको एक पॉलिथीन में हम भर कर रख देंगे सैंपल का, और जितना भी ये सूखा आटा है वो सारा का सारा भी गायब हो जाएगा बाद में। बस इस तरह से आपको रख देना है। किसी दूसरे के तरीके से देखकर आप बनाए हैं, प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। तो प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि वो सही तरीके नहीं बताते हैं। मैं बिल्कुल सही तरीका बता रहा हूँ आपको, सीख लो। कोई पैसे लेके भी नहीं सिखाएगा ना तो कोई बताएगा। तो दोस्तों इसी तरह से हमें सारी लोइयाँ काट कर गोलियाँ बढ़िया अच्छे से रख लेनी है। बाकी बिलाई किस हिसाब से होती है वो भी मैं बताऊंगा अभी। दोस्तों देख सकते हैं कपड़ा ऐसे बिछाना है, एक पॉलीथीन के ऊपर डालना है कपड़ा। कपड़ा डालने के बाद में हम देखिए अब लोइयाँ काट के जो रखी थी वो अच्छे से हमारी फ्री हो गई हैं। तो हम उसको बेलना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों देखिए हम बेलना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारी 3 नंबर मशीन है। ऐसे सिंपल सी गोली ले लेनी हाथ में, गोली को पहले हाथ में ही ऐसे दबा देना है गोल से, फिर इसमें रखने, फिर ऐसे प्रेस कर देना है बस। और ये देखिए कितना बढ़िया सा एकदम गोल गोल तैयार हो जाएगा। चलिए दिखाते हैं आपको किस तरह से हम दबा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों इस तरह से आपको दबाना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, बिना मिस्टेक किए हुए आपको इस तरह से दबाते जाना है आप। अभी मैं आज आपको आधा कपड़ा भर के दिखाऊंगा, बाकी की वीडियो में मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। आज हमारे पास टाइम है अच्छा,
तो हम आपको आधा कपड़ा भर के दिखाते हैं, एक भी गोल गप्पा नहीं होगा इस तरीके से, एक भी गोल गप्पे में छेद या फुलावट या किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तो दोस्तों देख सकते हैं फाइनली कितने अच्छे तरीके से हमने बिलाई कर ली है और इसी सैंपल से मशीन से कर ली है, जिसमें दोनों तरफ हमने अंदर से पॉलिथीन बांध रखी है और नीचे से एक कार्टून गत्ता बांध रखा है, बस इसी से अच्छे से बिलाई हो जाती है। इसी तरीके को अपनाइएगा, अच्छे से बनेगी। बाकी फ्राई करते समय मैं बताऊँगा कैसे फ्राई करते हैं। दोस्तों देखिए इस तरह से हमने ढक दिया है, ढकने के बाद में इसी के ऊपर से हम पॉलीथीन लगा देते हैं। ये इसी नाप की ये पॉलीथीन होनी चाहिए, देख लीजिए इतनी बड़ी पॉलीथीन है, जितने कपड़े हैं उसी साइज से पॉलीथीन है हमारी। इसी हिसाब से आपको रख देना है, रखने के बाद इसको भी हम पलटी मारेंगे। तो दोस्तों देखिए इस तरह से दो लोग मिलकर ऐसे पकड़ के चारों कोने में इसको ऐसे फटाक से पलटी मार देना है। अब इसको सीधे जहाँ पे फ्राई करेंगे उठा कर रख देंगे, बस फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ये पलटी मारना बहुत ज़रूरी होता है, ये पलटी ज़रूर मारिएगा, ठीक है। क्या तेल हमारा गरम हो रहा है और हम तेल चेक करने के लिए पहले एक पूरी डालकर देखेंगे तेल हमारा गरम हो गया है या नहीं। तो आपको भी ऐसे एक ही पानी पूरी डालनी है, चेक करना है कि तेल कितना टेम्परेचर अच्छे से गरम है या नहीं है। तो दोस्तों ये देखिए अभी भी वाइट है, यानी कि तेल हमारा अच्छे से गरम अभी नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे 5 मिनट और, अच्छे से ये गरम हो जाएगा तभी इसमें फ्राई करना है। तेल हमारा अच्छे से टेम्परेचर हाई हो चुका है, गरम हो चुका है, तो अब हम पानी पूरी डालना स्टार्ट करते हैं। इसे देख सकते हैं आप किस तरह से पानी पूरी हमारी बढ़िया से फूलेगी एकदम गुब्बारे जैसे। इस तरीके को आप अपनाएंगे तो कभी पानी पूरी बनाने में फेल नहीं होंगे, एक भी पापड़ी नहीं आएगी, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। तो ये देखिए दोस्तों आपके सामने लाइव प्रूफ, आप देख सकते हैं कि पूरे घान में एक भी पापड़ी अगर आ गई भाई मेरे, तो मैं नाम बदल दूंगा कि पानी पूरी मैं नहीं सिखा पाता। ये देखो दोस्तों एक भी पापड़ी आपको नहीं मिली होगी, सेम ऐसे ही तरीके को आप अपनाएंगे तो सेम ऐसे ही बनेगी। मेरे ही तरीके से आप बनाएं, हम चाहते हैं किसी का कोई नुकसान ना हो। लोग फेक वीडियो, फर्जी वीडियो, गलत और झूठ वीडियो बनाकर डाल देते हैं जिनसे आपका नुकसान होता है, आप सीख नहीं पाते उनसे कोई भी चीज़। मैं एक एक चीज़ सिखाता हूँ, नंबर डायल करके रखा हूँ, नंबर पे आप फ़ोन कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो मैं हर प्रॉब्लम का सलूशन दूंगा, सॉल्व करूंगा आपका जो भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही तरीके से बनेगी दोस्तों। दोस्तों देखिए किस तरीके से हम निकाल रहे हैं, वजह से हमारा अभी तेल गरम है, जब तक तेल गरम है तब तक इसमें हम ऐड करते रहेंगे, निकालते रहेंगे बढ़िया से। और ये बहुत ही बढ़िया तरीका है हमारा, किसी भी चीज़ में कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो दोस्तों ये देखिए इस तरह से हम फ्राई करते हैं इसको, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, मीडियम ही रखना है गर्मी के टाइम पे। तो तेल हमारा ठंडा हो चुका था, थोड़ा सा वेट करेंगे हम, बाद में एक बड़ा सा ढेर निकाल कर दिखाएंगे आपको जिसमें बहुत सारी पानी पूरी हमने फ्राई करके रखी होगी। तो चलिए दोस्तों फिर दिखाते हैं। फुली बनाई हुई है और इसी तरीके को आप अपनाएं, पानी पूरी एक नंबर बनेगी, आप ध्यान से देखिएगा, एक भी पापड़ी एक भी होगी, बढ़िया बनेगी।
भरोसे से आपको नहीं कहेगा कि भाई मैं आपको बिल्कुल सही चीज़ सिखा रहा हूँ या मैं सिखा के ही रहूँगा। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ आप लोग घर में खाना बनाना चाहते हों या बाहर बेचना चाहते हों या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हों, जो भी हो उस सारे सोल्यूशन के लिए मेरा ही वीडियो काम करेगा। मैं हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिए मेरे, मैं तुरंत आपसे बात करूँगा, कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करूँगा। पूरी मिस होगी तो बाद में करूँगा, लेकिन आपको मैं हर सोल्यूशन दूँगा। फूल नहीं रही हो, छेद हो रहे हो, पापड़ी निकल रही हो, किसी भी तरह की अगर पानीपुरी में आपको दिक्कत हो रही है तो ये वीडियो जरूर से ज़रूर देखिएगा। ये बिल्कुल सही वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए। इतने हज़ारों लोगों में और अच्छे से बना रहे हैं, बिजनेस अच्छे से कर रहे हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और सही जानकारी आपको देने में। भले ही मेरे वीडियो 5 मिनट 10 मिनट के नहीं रहते हैं, उससे ज़्यादा रहते हैं, लेकिन मैं एक एक चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से सिखा के छोड़ता हूँ, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि पानीपुरी बनाना बिल्कुल नहीं सीख सकते हैं। जो भी लोग बोलते हैं ना एक गिलास सूजी में हम 50 पानी पूरी बनवाएंगे, 100 पानी पूरी बनवाएंगे, 200 पानी पूरी बनवाएंगे, ये बिल्कुल सारा सर झूठ रहता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि उनके टाइटल में क्या लिखा है, डिस्क्रिप्शन में क्या है, और पानी पूरी बनाए गए हैं, दिखाए गए हैं, वो तरीके मेरे पास बिल्कुल नहीं। जो भी है जेन्युइन तरीका है, बिल्कुल सही तरीका, सही तरीका को देखो, सही तरीके को अपनाओ। मैंने आपको कोई नहीं सही तरीका बताएगा, मैं सभी का भला करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी बुरा हो तो वीडियो को सही से देखिएगा, पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। नहीं समझ आएगा तो मुझे कॉल करिएगा, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं एक इसी तरह की बहुत ही बढ़िया रेसिपी के साथ। नमस्कार। ले सकते हैं, सारे तरीके आपके फेल हो जाएंगे, लेकिन मेरा तरीका कभी फेल नहीं होगा। अगर आप भी बनाना चाहते हैं ऐसे पानी पूरी ढेर के ढेर, देखिए एक भी पापड़ी आपको नज़र नहीं आ रही होगी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखिएगा किस तरीके से बनाया जाता है सही तरीके का पानी पूरी।